एसएस लॉ पे लाजमी सवाल आता है, तो ज़रा इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर कट समझ लो। आपको देते हैं कार्बन प्लस टू एच टू सी एच फोर बन रहा है, हीडो फॉर्मेशन निकालना। अब देखो ये इंटर में हमने बहुत लंबे चौड़े रखा है, हम ज़रा अपनी मैजिकल ट्रिक यूज करेंगे। इक्वेशन नंबर वन की हीडो फॉर्मेशन हमेशा पूछी जाएगी। टू होती है जिसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड -394 किलो जूल पर, सेकंड में होगा वाटर -286 किलो पर जूल पर, और फोर्थ वाली भी दीवी होगी आपको -890 किलो जूल पर, और पूछी हमेशा कौन सी जाएगी, फर्स्ट वाली। सो डियर, अब ओरिजिनल मेथड में हमें नहीं जाना, सब बात हम अपनी मैजिकल ट्रिक में। अब इसकी क्या मैजिकल ट्रिक होती है, हमेशा इक्वेशन फोर को घूर के देखो। कितने वाटर हैं, दो वाटर, तो वाटर की वैल्यू जो -286 होती है इसको मल्टीप्लाई कर दो टू से। भाई टू से क्यों किया, जो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ वाली इक्वेशन देखो, सेकंड थर्ड तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वाली होगी, फोर्थ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों दिया हुआ होगा और इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दी हुई होगी। तो वाटर चूँकि दो हैं इसलिए मैं टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तीन होते तीन से करूँगा, एक होगा एक से करूँगा। अब ज़रा कार्बन डाइऑक्साइड और से देखो कितनी है, एक, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगा वन से। अच्छा ये तो -394 ही रहेगी, -286 को टू से करा -572। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, टू और थ्री। मेरी मैजिकल ट्रिक में करता ये हूँ मैं कि टू की वैल्यू और थ्री की वैल्यू प्लस करता हूँ, ये मेरे पास बनती है फाइव की वैल्यू। इसमें से जैसे फोर की वैल्यू माइनस करता हूँ वन की वैल्यू आ जाती है। ये सारी बैलेंसिंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती, जो हमारे 7-8 मिनट लगते हैं ज़्यादा नहीं होते, वो तो मैं समझा भी रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सो भाई इन दोनों का जब हम एडअप कर लेंगे, ठीक है, ये आ गई -966। -966 में से क्या माइनस कर दूँगा, 890। हेसस लॉ के न्यूमेरिकल के लिए पहले तो एक तरीका समझ, चार इक्वेशन दी हुई होती हैं और पहली वाली इक्वेशन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछता है, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में दो बड़े अहम फैक्टर हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी मम्मा मानी, और फोर्थ इक्वेशन वो होगी जिसमें मम्मा मानी यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। सो इंटर का तो हमारा एक बड़ा लंबा चौड़ा मेथड था भाई, गहरा उस पर हमें फोकस नहीं करना, हमें अपनी ट्रिक लगानी है। उस ट्रिक में सबसे पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद देखता हूँ और वाटर की तादाद देखता हूँ, कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दो मोल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई में किससे कर दूँगा, टू से। वाटर भी कितने हैं भाई, दो हैं, तो 286 को भी मल्टीप्लाई किससे कर दूँगा, टू से, और जो दोनों रिजल्ट आएंगे उनको ऐड कर दूँगा। अब बच्चों अगर एक वैल्यू टू से एक थ्री से मल्टीप्लाई होती है तो कैलकुलेशन मुश्किल होती है, या चूँकि दोनों टू से मल्टीप्लाई, इसलिए हम एक और काम भी तो कर सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके बाद में टू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखो 4 + 6 = 10 होता है, 1 कैरी हुआ, 9 में ऐडअप किया, 10 + 8 = 18, और फिर ये 3 और 2 = 6, 6 + 8 = 0 मल्टीप्लाई किया आपने टू से, ये आ गया 1360। अब ये 1360 क्या है बता, हमने ये किया बच्चों के जो सेकंड और थर्ड इक्वेशंस होंगी, याद रखो हमेशा सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इनसे मिला के मैं एक नई इक्वेशन बनाता हूँ, इक्वेशन नंबर 5। इंटर में तो पूरा बना देते हैं, नहीं 5 की हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 1360। इसमें से डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, 4 की वैल्यू माइनस कर लूँगा और मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 1। अब गौर से देखो कितनी आई है वैल्यू, 1360। इस 1360 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 870। अब मैथ्स के रूल के तहत माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जी बच्चों दोबारा ये बात, इस बात को समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइनल इक्वेशन में कितने दिए, तो -394 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे आ जाएगा -788, और वाटर के 3 मोल दिए तो -286 वाटर की हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है, ये हमेशा फिक्स है, वाटर की हमेशा -286 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की -394 होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -850। अब देखो मेरी ट्रिक क्या कहती है, ये इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू आ गई। देखो इक्वेशन 2 और 3 की जो मिला के वैल्यू होती है
उसको मैं नाम देता हूँ 5 का, और जैसे 5 में से 4 माइनस करता हूँ मेरे पास 1 का आंसर आ जाता है। तो ज़रा आप इन दोनों को एडअप कर लो। अच्छा, दोनों माइनस हैं तो ऑफकोर्स माइनस का ही साइन आता है। 8 + 8 = 16, 6 लिख के 1 कैरी करो, 14 और 1 कैरी करो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, -16, 46। अब इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 4 की वैल्यू, जो मेरे पास कितनी है -1560। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो तो भाई मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -86। ये -86 दर हकीकत मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, मेरी हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी, यानी इक्वेशन नंबर 1। तो देखो, 2 और 3 से जब भी हम रिजल्ट निकालेंगे इसको नाम देंगे 5 का। 5 में से 4 की वैल्यू जैसे माइनस करोगे ऑटोमेटिक हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1 की आ जाएगी, और यही मेरा आंसर। देखो, 2C + 3H2 से बन रहा है C2H6। वेल, ये किसका फार्मूला होता है, इथेन का। कार्बन प्लस O2 CO2, H2 प्लस हाफ O2 H2O और C2H6 प्लस हाफ O2 2CO2 प्लस 3H2। देखो, हेसस लॉ की अप्लीकेशन का ये सवाल है, पेपर में आया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन में होगा हमेशा हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी होगी इक्वेशन नंबर 1 किसकी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 की दी हुई होगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में -394 होती है। देखिए ना, C+O2, तो CO2 कितनी है, -394, और H2+ ½ O2 वाटर, ये कितनी है, -286। अच्छा अच्छा और फाइनल इक्वेशन नंबर 4 में दी हुई है -156। अब जब हम इनको फर्स्ट ईयर में करते थे, बड़े लंबे चौड़े मेथड से करते थे, लेकिन नारायण ट्रिक्स है, मेरी मैजिकल ट्रिक्स से होती है। एक चीज़ ध्यान में रखो, क्या हमेशा चाहिए किसकी होगी, इक्वेशन नंबर 1 की। इक्वेशन 2 कार्बन डाइऑक्साइड की -394 दी हुई है, वाटर की -286 दी है। हम हमेशा इस पे गौर करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है और कितने वाटर है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 2 है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है -394, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वाटर कितने, 3, तो वाटर -286 की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 वाटर है। 2 से क्या कर रहा हूँ, क्योंकि 2 वाटर है। सो पहले इतना काम कीजिए, -394 को यहाँ 2 सीए 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -788, और -286 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -858। ये मेरे पास आ गई 2 और 3 की नई